वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री, आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ गणपति विसर्जन के लिए और आज है तीसरा दिन, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड करूंगी। और जैसे कि मैंने अपने पार्ट वन में बताया था कि इस साल मेरे घर में गन्नू पापा नहीं आए हैं, मैं अपने बेस्टी के घर में गणपति सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो वो तीसरे दिन में विसर्जन करती है, मतलब उसके घर में 3 दिन के लिए पापा आते हैं। तो मैं फिलहाल तो रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल मैं अपने घर में हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ सुबोई के घर और वहाँ जाके किस तरह से हम मस्ती करते हैं, किस तरह से बप्पा का विसर्जन होगा, आरती उनका, हर एक चीज़ जो भी है, छोटी मोटी जो भी यादें रहेंगी इस साल की, मैं पक्का आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह अपनी मधुश्री को बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू। ओके, तो मैं आ चुकी हूँ सुबोई के घर में और मैं पहले मिला लेती हूँ पापा से और उसके बाद मैं मिलाती हूँ मन्नू से। मन्नू से हाय। और सुबोई भी हो चुकी है तैयार, आ जा जल्दी। आज है विसर्जन का दिन। हाँ, थोड़ा दुख भी है और बहुत खुशी भी है कि फाइनली कैसे कैसे सही, बहुत ज़्यादा जो तू सोच रही थी पर अच्छे से हो गया सब कुछ। और मतलब 3 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। और विसर्जन के बाद बहुत खाली खाली होने वाला है इसका घर, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने ये फील ले चुकी हूँ मैं अपने घर पर। पर ठीक है, कोई ना, प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं बिल्कुल। और हम सबके लिए यही दुआ करेंगे कि जो भी ये कोरोना है वो भी बहुत जल्द चला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी वही है कि आई थिंक सबने यूनिवर्सली गणपति पे ये सबसे पहले प्रे करा हो कि कोरोना चले। और हम 2 महीने से ये बोल भी रहे थे कि देखना पापा आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब विघ्नहर्ता है ना तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो एक बार मैं और पापा को दिखा रही हूँ, आप लोग भी पापा से बोल दीजिए कि बहुत जल्द ये कोरोना चला जाए और हम सब पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जिए। देख लो बेटा, मैं इंडियन लुक में तुझे अच्छी लगती हूँ मजनू। अब नहीं देखेगा इधर, अब बेइज्जती कराएगा मेरी। हाँ, इंडियन लुक में अच्छी लगती है मासी। और अब मैं मिलाती हूँ विशाल से, ये बहुत अच्छा फोटो लेता है और आज देखो अपना कैमरा भी लेकर आया है कि मेरा और सुबह का ये फोटो लेने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सुबह ही तो इससे बहुत फोटोग्राफी कराती है पर मैं पहली बार विशाल से फोटोग्राफी कराने वाली हूँ और इंस्टा पे भी देने वाली हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विशाल कितना अच्छा फोटोग्राफी करता है। अगर आप लोग में से किसी को कॉन्टैक्ट भी करना हो ना अच्छे अच्छे फोटोग्राफीज के लिए, तो विशाल का नंबर भी उसमें दे दूँगी मैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। अभी कल तुमने किसकी फोटोग्राफी करती है? ठीक है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे विशाल को फॉलो करोगे ना तो पता चल जाएगा। और मैं ऐसे उल्टा ही आ रही हूँ, बाप रे कैमरा आते एकदम पोजीशन चेंज। ओ हो, आज तो देते समुंदर वाले से बिहेव करने है। कैसे ऐसे थी समुंदर आके इतनी गंदी है। और ये है दिया। हेलो। फाइनली 3-4 महीने बाद हम मिल लिए। जब थोड़ा बहुत पहली वाली लॉकडाउन खुली थी ना तो ये मुझसे आ गई थी मिलने के लिए, तो हम घर पे भी नहीं बैठ पाए थे, बिल्डिंग के नीचे ही हम ऐसे मिल के चले गए थे क्योंकि तब बिल्डिंग में अलाउ ही नहीं था। इसके बिल्डिंग में तो अभी भी अलाउ नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है, अभी भी हमको मेडिकल सर्टिफिकेट दे के आना जाना पड़ता है। हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस, आई होप कि बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। 4 महीने बाद दिया मुझसे मिली है, क्या कह रही थी मेरी तारीफ में बताना जरा। मैं बोल रही थी कि मधु कितनी सुंदर और कितनी पतली और कितनी सेक्सी और कितनी हॉट और कितनी 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 कातिल हो गई है। ये कैमरा चालू होते कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे पता है, मुझे हमेशा से। वैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारे उन दिनों में 1 साल होने के बाद बाकी का जो 1 साल लास्ट का जो बचा था उसमें ये आई थी क्रिएटिव बन करके, तभी मेरी दोस्ती हुई थी इससे। और
तब अगर मैं ऐसी पतली होती तो तू मुझे और अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती है। हाँ बहुत सुंदर, लेकिन कभी भी नहीं, लेकिन इसने हमेशा मुझे अच्छी साड़ियाँ दी है। तो जो हमारे उन दिनों के फैंस हैं वो तो खुश हो जाएंगे क्योंकि ये भी हमारे उन दिनों से जुड़ी हुई है। तो एक बार उनके लिए स्पेशल एक ट्राइंग किसी दे दो उन दिनों के फैंस के लिए। ये सारे उन दिनों के फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है कि सारे फैंस, क्योंकि मैं खुद भी उसकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य शायद हो सकता है कि मैं हमेशा से ना ये शो एज अ क्रिएटिव करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं मिल ही नहीं रहा था कोई कि मैं कैसे आऊँ एंड सडनली। पर तूने दिल से चाहा था ना, फिर तू आ गई। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे आने के बाद ना मधु इज़ द ओनली पर्सन जिसने मुझे वहाँ पे बहुत फ्रेंडली और बहुत कम्फर्ट नहीं, ये पहले दिन आई ना, एक्चुअली एक्टर हो या क्रिएटिव हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक चलती शो में आप अचानक से आते हो ना, आपके माइंड में एक चीज़ चल रहा होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं, सब लोग मेरे से कम्फर्टेबल हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि मैं जब शुरुआत में वन डे टू डे या कैमियोज़ करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती थी। तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है। राइट, जब अर्जुन भी पहली बार आया था, जब जूही पहली बार आई थी, तो मैंने जाके बोला था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ एक्टिंग में, पर मैंने बोला था कोई बात नहीं, बस जो भी है अपना बेस्ट दो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बिकॉज नया माहौल होता है ना, तो आपको एक दो लोग ऐसे चाहिए, जो पुराने लोग हैं अगर वो एक बार बोल देते हैं ना कि कोई बात नहीं हम साथ हैं, अच्छा कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे उन दिनों की बात है जब शुरू हुआ था, तब ताई जी से मैं पूछती थी क्योंकि हमारे में सबसे ज़्यादा सीनियर वही थी और नॉलेज भी उनका सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो ताई जी मैंने कैसे किया, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया बेला तुमने। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और मुझे लगता है कि आप जब लोगों को पॉजिटिव करते हो ना, वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। हमेशा करना चाहिए हर किसी के लिए। मतलब किसी को एटलीस्ट आप सपोर्ट ना कर सको कोई नहीं, लेकिन उसको हमेशा मोटिवेट करते रहो ताकि उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो और वो अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाए, चाहे किसी भी फील्ड में। बिल्कुल। और सिर्फ उन दिनों की बात है कि फैंस के लिए नहीं, मेरे बैरिस्टर बाबू के फैंस को भी बहुत सारा प्यार भाई। वो लोग सुरमणि को बहुत प्यार देते हैं, मतलब और हमेशा उतना प्यार करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे फैंस बहुत प्यार करते हैं, और जो भी यूट्यूब पे नए नए मुझे देख रहे हैं या जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, उनके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखो, आगे और भी जो भी हम लोग ज़्यादा
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस फिर तो करेगा जल्दी आ रहा। हमने ठूस ठूस के खाना खा लिया, ऑलरेडी दिख रहा होगा शायद 4-5 किलो बढ़ा है मेरा। साढ़े 12 बज रहे हैं और अब मुझे जाना है घर। हाँ। अभी घर जा रही है और आज हम आपके चैनल पे अपने नए लोगों को मिलवा रहे हैं। ये है पिया। हाय गाइस। और ये है रेहान। आई एम दिया। ये रेहान, पीपल हु फॉलो माय फ्रेंड, दिस इज फॉर हर YouTube चैनल। फॉलो मी टू। वी वांट टू टेल यू गाइस थैंक यू सो मच। शी इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। शी इज गॉर्जियस। फैंस एंड आप लोगों को दिखाने के लिए पार्ट टू में आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा। और जाने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लव यू गाइस। और इसको सब्र नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। और क्योंकि रोते हुए अच्छी नहीं लगती, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर जा रही हूँ, पर मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे मम्मी है और मैं रुक नहीं सकती। और टैक्सी वाले भैया हम ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। भैया को हमने बोला भैया इधर देख लीजिए, देख लो एक बार भैया, भैया ऐसे देख रहे हैं कि लड़की कर क्या रही है। सुबह ही ने बोला भैया सुनो आप बुरा तो नहीं मानोगे, हम थोड़ी देर और बातें कर लेंगे। बोले अरे कोई बात नहीं, बहुत सुनी बातें कर, भैया को हम 5 स्टार देंगे ओला। हाँ ऐसे भी पौने एक हो चुका है भैया। ये हीरोइन है, टीवी में सीरियल में काम करती अच्छा, है ये तो करती नहीं है। इनका यूट्यूब चैनल है जिसके लिए वीडियो बनाती हैं, बहुत बड़ी हीरोइन है भैया। ये तो ऑलरेडी मुझसे बड़ी स्टार है। और इतना मन नहीं भरता कि नहीं, देखो मैं चाहती नहीं हूँ कि ये जाए, इसलिए मैं थोड़ा रोना धोना कर रही थी। बट आई नो बहुत लेट हो गया, उसको जाना है तो जा रही है। मुझे बहुत स्टार, एक स्माइल वाला बाय कर दे, जाना स्माइल वाला। सुबह बाय, फाइनली बाय। अब बाय।